की बड़ी खबरों की तरफ। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात पर पीएम मोदी ने डीएमसी की फोन पर बातें, स्थिति का लिया जायजा। लोकसभा में बोले अध्यक्ष ओम बिरला, सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, हंगामे के चलते लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 22% रही। पीएम मोदी से आज शाम मिल सकते हैं सीएम अमरिंदर, सीमा पर ड्रोन हमलों को लेकर होगी चर्चा। डिप्टी सीएम सिसोदिया का ट्वीट, चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने किया दोषमुक्त। दिल्ली में रेप पीड़िता के परिवार की तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में राहुल गांधी को नहीं मिला नोटिस। पंजाब के अकाली नेता विक्रमजीत की हत्या का बदला लेने एक और फेसबुक पोस्ट आई सामने। दिल्ली से पंजाब तक बड़ी गैंगवार की आहट, तिहाड़ से गैंगस्टर की धमकी, कहा एक के बदले चार मारेंगे। दिल्ली में फ्लाईओवर पर मजार मामले में आदर्श नगर के एसएचओ सीपी भारद्वाज हुए सस्पेंड। मरीज को दिल्ली ले जा रही एम्बुलेंस नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास पलटी। अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान ने वर्ल्ड लीडर से की भावुक अपील, कहा हमें संकट में छोड़कर ना जाएं। कोरोना से भारतीय यात्रियों के आने पर कनाडा ने 21 सितंबर तक बैन बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव ने भी की जातिगत जनगणना की मांग। चंडीगढ़ में आज से खुले कॉलेज, कोविड प्रतिबंधों में ढील का ऐलान। केरल में आज से खुले शॉपिंग मॉल्स, राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में दी ढील। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 176 अंकों की तेजी के साथ खुला। देश में बीते 24 घंटे में 38,353 नए कोरोना के मामले आए सामने, सक्रिय मामलों की संख्या 3,46,351 हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।